Good evening friends, I'm Sanchit, welcome to our channel Breathing Space. आज की वीडियो में बनाऊंगा हाउ टू सेव पोर्टुलाका फ्लावर्स. ये मेरे पोर्टुलाका का स्टैश है पूरा, ये जो पूरा आप वीडियो में देख रहे हैं. तो ये पूरी गर्मियों में इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा फ्लावर्स दिए हैं इन्होंने मेरे को. अभी सर्दियों में इनका सीजन ख़त्म हो रहा है, तो अभी इट्स टाइम टू सेव देम फॉर नेक्स्ट ईयर. तो हमको ज़्यादा टूल्स नहीं चाहिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है. द टूल वी रिक्वायर इज अ प्रूनिंग टूल और एक खुरपी, जिसके बेसिस पे हम इसको सेव करेंगे. तो गाइस आइडिया ये है कि अभी, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं, जैसे ये थोड़ा शायद चाइनीज वैरायटी के हैं तो ये अभी भी फूल दे रहे हैं, लेकिन जो ये पीछे देसी वैरायटी की मेरे पास सब लगे हुए थे, इनकी फ्लावरिंग बंद हो गई है. एक छोटा सा फ्लावर अभी भी है इसके अंदर जो कोशिश कर रहा है, या आज सुबह निकला होगा. बट अदरवाइज जितने भी देसी प्लांट्स हैं वो अक्टूबर एंड आते आते ख़त्म हो जाते हैं. आज नवंबर मिड हो गया है ऑलमोस्ट. तो अभी हमारा आइडिया ये रहेगा कि क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, हम इनको इनके गमलों में से निकाल के इनकी कुछ कटिंग्स को हम अलग से रख लेंगे, और वो कटिंग्स हम किसी एक गमले के अंदर कटिंग करके रख लेंगे, ताकि एक छोटा सा एरिया रहे जहाँ पे हमारे पास प्लांट्स रहे. और जैसे ही नेक्स्ट ईयर शुरू होगा अराउंड मार्च, हम उस एक गमले में से प्लग करके हम इसको अलग अलग लगा सकते हैं, ताकि फिर से पूरी गर्मियों में हमारे पास ये फ्लावर्स देता रहे. तो लेट्स बिगिन, मैं अभी इसको कटिंग करता हूँ, उसके बाद विल कम बैक टू दिस वीडियो एंड आई शो यू कि हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं. वेलकम बैक गाइस. तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ये कुछ ये पिंक, येलो और ये ऑरेंज टाइप के मैंने सेव करके रख लिए हैं. ये मेरे पास तीन गमले थे, इनके अंदर से मैंने अपना सारा स्टैश निकाल लिया है. चौथा वो मेरे पास एक सिंक था जिसके अंदर बहुत कुछ था, तो ये सारा मैंने उसके अंदर से निकाल लिया है. तो अभी द नेक्स्ट स्टेप विच आई एम गोइंग टू फॉलो इज कि मैं इस गमले के अंदर जितना भी मेरे पास ये मेरे को सेव करना है, ये मैं सेव कर लूँगा इसके अंदर. और उसके अंदर जो सिंक है मैं कुछ और सेव करूँगा, उस सिंक के अंदर आई विल सेव समथिंग एल्स, ग्रो समथिंग एल्स. तो अभी के लिए लेट्स स्टार्ट. तो मैं इसमें से द यूजुअली आई डू इज थोड़ी सी मिट्टी इसमें से निकाल लेता हूँ. बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये, तो इसके लिए बस हमको इसकी एक जो स्टेम है नॉर्मल सा छेद करके, ये हमने इसकी स्टेम लगा दी यहाँ पर. ये रूट्स अपने आप बना लेगा. फ्रेंड्स आप देखें, ये मेरे पास कुछ है एकदम लाइट पिंक कलर के, कुछ डार्क पिंक कलर के. तो हालांकि इसकी एक ही आप सेव करके रखेंगे तो भी काफ़ी रहेगा, बट थोड़ा सेफ्टी सेक मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इसकी ब्रांचेस सेव करके रख ली है एक नेक्स्ट ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये देखिए, ये इतना ईजी है लगाना, इसका बस कहीं भी छेद कीजिए और ये दबा दीजिए, हो गया. ऐसी आप अलग अलग वैरायटीज के जितने भी हैं आपके पास, आप प्लांट सेव करके रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए. फ्रेंड्स इससे, इस एक्टिविटी करने से क्या हुआ है कि मेरे पास जो इतने सारे गमले थे जो सर्दियों में ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाते हैं मेरे, क्योंकि उसके अंदर जो लगा हुआ है प्लांट वो मेरे को फ्लावर्स नहीं दे रहा है, वो सब मेरे यूज़ हो गए हैं अभी. और नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी मेरे पास वैरायटी थी वो भी इस टाइम मेंटेन्ड है.
मेरी मिट्टी ऑलरेडी गीली है तो मैं इसको दोबारा पानी नहीं दूंगा, इसको बस अब मैं छांव में दूंगा क्योंकि सर्दियों में थोड़ा ओस भी पड़ेगी, ठंड भी गिरेगी ऊपर से, तो अभी के लिए मैं इसको एक हफ्ते तक छांव में रख दूंगा। उसके बाद क्योंकि इसने ग्रो नहीं होना है ज़्यादा तो इसको मैं कहीं भी रखूँ, हार्डली मैटर्स। सो आज के लिए दैट्स इट गाइस, नेक्स्ट वीडियो मैं शायद कुछ और बनाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।